निकाय चुनाव से पहले उत्तराखंड में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। दरअसल बीते रोज कांग्रेस पार्टी ने दृष्टि पत्र जारी किया था, जिस पर बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि इस दृष्टि पत्र से कांग्रेस की दृष्टि ही गायब है और सिर्फ केंद्र और राज्य पर फोकस किया गया। जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना था कि बीजेपी दृष्टिहीन पार्टी है और केंद्र और राज्य सरकार ने राज्य में कोई विकास कार्य किया ही नहीं, जबकि जनता से जनसभाओं में बीजेपी राज्य के लिए विकास की बात करती नजर आई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है, और निकाय चुनाव में जनता बीजेपी को सबक जरूर सिखाएगी। यदि भाजपा के लोग हमारे दृष्टि पत्र को ठीक तरीके से पढ़ते तो कम से कम इस तरीके की टिप्पणी वो नहीं करते। हमने केंद्र सरकार पर भी प्रश्न खड़ा किया है, हमने राज्य सरकार पर भी प्रश्न खड़ा किया है, और अगर हम निकाय में जीतते हैं उसका भी हमने दृष्टि पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है। अरे हमारी तो दृष्टि है, भाजपा तो दृष्टिहीन है। जब जनसभाओं में जा रहे हैं तो ये कहते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि अगर नगर निकाय में हम जीतेंगे तो हम विकास करेंगे। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।